फाइनली वन पीस वाली वीडियो एंड इट्स अबाउट टॉप 10 वन पीस कैरेक्टर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखो यहाँ पर शुरू करने से पहले बता देता हूँ यार, वन पीस के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे। तो मैं जितना भी टॉप 10 बनाऊ, टॉप 20 बनाऊ, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग होंगे एंड इट्स सो ऑब्वियस भाई। बट बहुत मुश्किल से, बहुत सोच के एकदम से मैंने टॉप 10 सिलेक्ट किया। तुम लोग अपना टॉप 10 वगैरह जो है वो कमेंट पे शेयर कर सकते हो और इस वीडियो के थ्रू मैं अपना टॉप 10 बताऊंगा। मैं यहाँ पर टॉप 10 में रख रहा हूँ वन एंड ओनली बोआ हैंकॉक को एंड इसके पीछे रीजंस है। मुझे पता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही एकदम अच्छी है, वो तो है। उसके साथ साथ उसकी बैक स्टोरी मेरे को बढ़िया लगा एंड द ओनली थिंग दैट आई लव अबाउट बोआ हैंकॉक सो मच वो ये है कि शी इज़ लॉयल टू ओनली अ सिंगल गाय एंड दैट्स लूफी। एंड ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी और कोई बंदे को ये भाव ही नहीं देती है भाई। अगर लूफी मिले तो मिले, नहीं तो कोई नहीं। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट बोआ हैंकॉक एंड उसके डायलॉग्स आर चुम्मा भाई। मेरा लिस्ट के अंदर 9 नंबर पे मैं रख रहा हूँ हमारे जो नोस्ट ब्लीड वाला बंदा, जिसका बस नोस्ट ब्लीड आता है, वन एंड ओनली सांजी। आई नो बहुत ज़्यादा ठरकी है एंड मैं पर्सनली इसके साथ कुछ रिलेट नहीं करता, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बट इसको मैं लिस्ट में इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ लूफी क्रू ऑब्वियसली। वो लेफ्ट हैंड भी है तो रखना तो है ही भाई। एंड बस यही रीज़न नहीं है, उसके साथ साथ उसके जो दो दो बैक स्टोरी दिखाया गए, वो रेस्टोरेंट वाला बैक स्टोरी, उसके साथ साथ जो उसका पास्ट वाला बचपन के स्टोरी था, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, एकदम दिल को एकदम से तहस नहस कर दिया, रुला दिया था ऑलमोस्ट भाई। अगर इन सबको भी हम लोग साइड में रख देंगे ना, वो जो होल केक आइलैंड वाला सैड वाला सांजी का मोमेंट है, वो मेरे को ऑलमोस्ट रुला दिया भाई। नंबर 8 पे मैं जिसको रखता हूँ वो एक बैडेस्ट वन पीस का विलन है एंड उसका नाम ही काफी आई गेस डोन क्विहोते डी फ्लेमिंगो। तुम लोग बोलोगे भाई और भी बहुत सारे विलेंस हैं एंड ऑल एम्पायरर्स वगैरह, बट जो भी बोलो भाई तुम लोगों की बात अलग है, बट मैं तो इसको ही पिक करूंगा बिकॉज वो मेरे को एक बैडस वाली वो वाइब देती है भाई। उसकी जो हंसी है, वो जो हंसने का स्टाइल है भाई, खतरनाक लगता है। एंड जो उसका बचपन का स्टोरी है ना भाई, सबको उड़ा दिया। एंड उसका जो हाकी था यूज किया था, दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट। बचपन से उसके अंदर वो विलन वाली वाइब मेरे को दिखी एंड बड़ा होने के बाद तो भाई अलग ही। अब मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा उसको पावर्स के हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो बंदा मेरे को बहुत सही लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इवन सबके दिल में आई होप की जगह बना ली जितने वन पीस फैंस है। एंड इस नेम इज कोराजोन। आहा भाई, नाम सुन के ना वो पुरानी जो यादें एकदम ताजा हो जाती है, एकदम जो है ना दिल पे हिट करता है अलग से। उसने जो कांड किया भाई, रुला दिया, आई क्राइड व्हाइल वॉचिंग दिस एपिसोड ब्रो, एंड दैट आई लव यू वाला मोमेंट वाज समथिंग एल्स। ओए ब्रो, आइस्टर्ज़ा। अब यहाँ पर मैंने कोराजोन की बात कर लिया, लॉ की बात नहीं करूंगा, क्या ये हो सकता है? तो या इट्स थोड़ा भरूंगा दी वाथिल्डो। लॉ कैरेक्टर को मेरे लिस्ट में रखने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसका बैक स्टोरी तो बहुत ज्यादा सैड है, रुला दिया सबको ऑब्वियसली, वो तो है ही। उसको हम साइड में भी रख देंगे ना, और भी ज्यादा रीजंस है। उसका एक अलग मिशन होने के बाद भी ही स्टिल हेल्प्स लूफी, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ फनी मोमेंट्स देखने को मिलता है लॉ के, जो मेरे को बहुत सही लगता है, जो सीरियस होता है वो, बट सीरियस होने के बाद भी जब लूफी मजाक करता है ना एंड लॉ का रिएक्शन देखने में मजा ही कुछ अलग आता है। एंड सबके साथ साथ लॉ का जो पावर है ना, शैम्बल्स ताकत, वो सब मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। टॉप 5 बताने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आजकल डेली लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, वॉच पार्टी कर रहा हूँ, जहाँ पर हम सारे के सारे मिलके एक साथ एनिमे देखते हैं, इंजॉय करते हैं। कल भी हम लोगों ने बेब्लेड इरेडन जंप के एपिसोड साथ में मिलके देखे रूटर पर। अगर तुम रूटर पर नहीं है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आ जाओ, डाउनलोड करके वहाँ पर सर्च करो PBF लाइव एंड मेरा अकाउंट वहाँ पर फॉलो कर लो। रात 9:30 के आसपास हम लोग लाइव आते हैं एंड साथ में एनिमे वॉच पार्टी करते हैं, मीम्स देखते हैं, आ जाओ फटाक से। और यहाँ पर टॉप 5 में इट्स बॉनचैन, नाम ही काफी है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड, बस नाम बॉनचैन इज इनफ फॉर एवरी सिंगल वन पीस फैन। कुछ वर्ड्स, कुछ स्टोरी वगैरह कुछ बोलने की जरूरत नहीं, नो रीजन नीडेड ब्रो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये जो कैरेक्टर है जिसको हम लोगों ने अलावास्ता में देखा था, वो बाद में जाके मेरा टॉप लिस्ट में आएगा। नेवर थॉट ओडा कुछ भी कर सकता है, दैट्स द रीजन व्हाई आई रिस्पेक्ट ओडा सो वेरी मच ब्रो। इट्स एस, या सबका फेवरेट कैरेक्टर, इमोशनली बहुत सारे लोग मतलब अटैच है ही है सारे के सारे वन पीस फैंस एस के साथ। बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ मरीन फोर्ट के अंदर,
We all know and we all cried even though हम सबको स्पॉइलर मिला, तुम लोगों का पता नहीं, बट पर्सनली मेरे को मिला था, बट मैंने सोचा नहीं था भी स्टिल मैं इमोशनल हूँ, स्टिल मेरी आंखों से आंसू आएगी, बट स्टिल हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। बट यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, बाद में जाके आगे जो हम लोगों को बैक स्टोरी देखने को मिला तब और भी ज़्यादा मतलब बुरा लगा। इट वॉज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड ब्रो। रुवानों के अंदर फिर से बैक स्टोरी दिखाया एंड वहाँ पर तो एकदम स्टैप कर रहा था यार दिल के अंदर। आई डोंट नो फॉर सम रीजन जितने मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं दे ऑल डाई। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लाइक पर्सनली मेरे साथ अकेली होता है या फिर तुम लोगों के साथ भी होता है, नारुतो के अंदर, टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर, डेमन स्लेयर के अंदर, द फक। नंबर 3, इट्स योर लॉस्ट बॉय जो हमेशा खो जाता है ब्रो। लोरोनो ज़ोरो। आई हैव सो मेनी रीजन टू पिक ज़ोरो ऑन माय टॉप 5, टॉप 3, जो भी बोलो भाई। रीजंस बताने स्टार्ट करूंगा तो यार मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फनी है बंदा, अच्छा है बंदा, बहुत ही ज्यादा एकदम डरावना है बंदा, जब स्माइल करता है सबके एकदम फट जाती है। बंदा ग्राइंडिंग करता है, हार्ड वर्क करता है, बकचोदी नहीं करता, पेलता रहता है, हर एक मोमेंट पर सीरियस रहता है, लूफी की फिकर करता है, एंड दैट नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट तो अभी भी घुसबम देता है। मैंने बताया सो मेनी रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस है ज़ोरो को पसंद करने के पीछे। एंड वनो के अंदर जो ज़ोरो का लुक है ना भाई यार, बस उसको एक ही चीज चाहिए, वो है गूगल मैप। नंबर 2 पे इट्स आवर वन एंड ओनली गीगा चैद ब्रो। आकागामी नो शांक्स। यार देखो आई डोंट नो मैं शांक्स को क्यों टॉप 2 में रख रहा हूँ, इवन दो उसके बारे में कुछ नहीं पता है, नथिंग अबाउट बैक स्टोरी, नो पावर एंड ऑल, कुछ भी पता नहीं, स्टिल सबकी फटती उसको देख के, मेरी भी फटती है। मैं भी कभी कभार अपने आप को सवाल करता हूँ कि तेरी क्यों फटती है तल्हा। उसके बारे में बहुत कुछ पता चलना बाकी है, बैक स्टोरीज बाकी है, बहुत पावर्स दिखाना बाकी है, फाइट्स बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बट स्टिल वन पीस जो फैंस है भाई, शांक्स को 2 सेकंड के लिए देख के खुश हो जाता है जैसे मैं भी एकदम से। वन पीस बंदे ने मेरे को रुलाया, मरीन फोर्ट के अंदर इसने मेरे को रुलाया, कभी सोचा नहीं था। बस एक आर्क के अंदर अच्छे से दिखाया गया इसको और ये मेरा टॉप 1 फेवरेट कैरेक्टर एकदम से बन जाएगा, ऑल टाइम है, ऑल टाइम है। जो प्यार इसने अपने बेटे के लिए दिखाया, एस और बाकी जितने क्रू में सारे के सारे लोगों को ये बेटा मानता है ऑब्वियसली। जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है भाई, That's all I love about Whitebeard, bro. इतना powerful है, इतना सब कुछ है, and still बंदा अलग ही है भाई। I don't know how to say, I don't know how to describe Whitebeard, bro. 72 years old था, marine food हिला के रख दिया था, cannon ball से, गोली से, इससे उससे, bomb वगैरह कितना hit हुआ, and still वो कभी अपना back नहीं दिखाया, झुका नहीं, खड़े होके उसका लास्ट वाला मोमेंट था भाई। और बंदे को क्या चाहिए था? One piece, fuck bro, fuck off, नहीं चाहिए था उसको। He just wanted a family, man. That's so fucking deep. गाकी नो कोरो करा होशी कत्ता मोनो गा आरु। ओहो, आरु नो गा। काजोक। काजोक। नान्दा सरे। I love Whitebeard so much, bhai. Seriously. So that was my top 10. अब एक सवाल तुम लोगों के अंदर है। Where is Luffy? Main character कोई pick नहीं किया। Obviously. लूफी का शो है, वो सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, बट अगर मैं उसको इस वाले लिस्ट में रखता तो एक कैरेक्टर आउट हो जाता, इसलिए मैंने रखा ही नहीं, बिकॉज सबका फेवरेट है ब्रो। और वन पीस के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है यार, मतलब टॉप 10 बनाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज रेलिक को उठा लो, फिर रॉबिन, नामी, काताकोरी, और भी कितने सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है। तो टॉप 10 बनाना इट्स लाइक कि अपने आप को एकदम मारो भाई, मारो। बाकी तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक एक कमेंट रीड करूंगा किसका कौन फेवरेट है एंड ऑल। ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो यार दबाओ लाइक बटन, चैनल तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो, बिकॉज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। और हाँ, रात को स्ट्रीम है, रूटर पर आ जाओ, वहाँ पर आके सर्च करो BBF लाइव, फॉलो करके रखो, नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। मन करे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आ सकते हो, हम लोग हर जगह है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।